दोस्तों 25 मई यानी कि कल रोमन रेंग्स का बर्थडे था, तो दोस्तों हम भी रोमन रेंग्स को बर्थडे विश करते हैं। और रोमन रेंग्स के फैंस ने रोमन रेंग्स को बर्थडे विशेस सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विशेस रोमन रेंग्स को मिली हैं। लेकिन हमारे जो वाइज मैन पॉल हेमन है, उन्होंने भी दोस्तों अपने थ्राइवल शीफ रोमन रेंग्स को बर्थडे विश किया है, जहाँ पर सिंपली आप उनका ट्वीट देख पा रहे हैं। सिंपली उन्होंने लिखा है कि हैप्पी बर्थडे टू माई थ्राइवल शीफ, द बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन इन WWE हिस्ट्री। और सिंपली दोस्तों उन्होंने गोट को टैग किया है और साथ ही साथ रोमन रेंग्स को भी मेंशन किया है। तो दोस्तों रोमन रेंग्स के रिटर्न के बारे में भी मैं आपको एक काफ़ी गुड न्यूज़ देने वाला हूं इस वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और स्वागत है दोस्तों आप सभी का रेसलिंग रेंजर की एक और नई वीडियो के अंदर। और जो भी किंग ऑफ द रिंग प्रीमियम लाइव इवेंट के मैचेस हमें देखने को मिले, उनके रिजल्ट्स क्या थे, कौन कौन से सुपरस्टार जीते हैं, तो दोस्तों उस वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा पूरी। आप किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग की जो प्रीमियम लाइव इवेंट की रिव्यू वीडियो है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं लिव मॉर्गन के बारे में, जहाँ पर दोस्तों लिव मॉर्गन बैकी लिंच को हराकर नई चैंपियन बन चुकी हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों बैकी लिंच और लिव मॉर्गन का जो रीमैच है, वो आने वाले मंडे नाइट रो के एपिसोड के लिए ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। इसी के साथ साथ दोस्तों डेमियन प्रीस्ट ने डोमिनिक मिस्टेरियो के जो वो एक्शंस हैं उनके ऊपर रिएक्ट किया है, जहाँ पर दोस्तों डेमियन प्रीस्ट ने लिखा है कि बुरे से भी बदतर ये चीज़ हो चुकी है, और जो डेमियन प्रीस्ट है वो भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा नाखुश है। दोस्तों अब जो किंग एंड क्वीन ऑफ द प्रीमियम लाइव इवेंट हुआ था, वहाँ पर दोस्तों डोमिनिक मिस्टेरियो ने ऐसा दिखाया था कि उनको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से बुरा लगा है कि जिस तरीके से लिव मॉर्गन चैंपियन बनी है, लेकिन जो लिव मॉर्गन ने फोटो अपलोड करी है अपने सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर, उस फोटो को दोस्तों डोमिनिक मिस्टेरियो ने यहाँ पर लाइक किया है। और जो लिव मॉर्गन है उन्होंने रिया रिपली को भी यहाँ पर मेंशन किया था। तो डोमिनिक मिस्टेरियो दोस्तों काफ़ी सस्पेंस है यहाँ पर क्रिएट करके रखे हुए हैं कि डोमिनिक मिस्टेरियो यहाँ पर लिव मॉर्गन के साथ हैं या वो अगेंस्ट हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर इनके बीच में भी हमें कुछ ना कुछ स्टोरी लाइन एंगल देखने को ज़रूर मिलने वाला है। दोस्तों इसी के साथ साथ सीएम पंक के बारे में हमें जो ये चीज़ है कि सीएम पंक के लिए जो सऊदी अरेबिया के फैंस थे वो पोस्टर लेकर आए थे, जहां पर सिंपली आप देख पा रहे हैं कि जियाद नीड सीएम पंक। तो सीएम पंक की डिमांड सऊदी अरेबिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी तो फिलहाल सीएम पंक भाई अपनी इंजरी की वजह से हमें आउट ऑफ एक्शन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सीएम पंक जब वापस आएंगे तो WWE का जो क्राउन ज्यूल का प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है दोस्तों 2 नवंबर को, ये चीज़ अनाउंस हो चुकी है कि WWE फिर से सऊदी अरेबिया के अंदर वापस आने वाली है। तो वहाँ पर दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि सीएम पंक देखने को ज़रूर मिल जाएं। इसके बाद दोस्तों नाया जैक्स को भी यहाँ पर ट्रिपल एच ने जो बधाई हैं वो दी हैं। सिंपली आप दोस्तों ये फोटो देख पा रहे हैं, ट्रिपल एच और नाया जैक्स यहाँ पर खड़े हैं, और ट्रिपल एच ने दोस्तों यहाँ पर सिंपली उनके बारे में ट्वीट लिखा है कि नई जो हमारी क्वीन ऑफ द रिंग है वो नाया जैक्स बन चुकी है, और समर स्लैम के अंदर अब इनको वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। इसी के साथ साथ दोस्तों जो गुंथर और रैंडी ऑर्टन का मैच हुआ है, ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों जो रैंडी ऑर्टन का एक शोल्डर था वो अप था, जिसकी वजह से दोस्तों रैंडी ऑर्टन इस मैच के अंदर हार गए। और रैंडी ऑर्टन का शोल्डर अप होते हुए भी गुंथर को इस मैच के अंदर विक्टोरियस बताया जाता है। तो दोस्तों इसके बाद जो ट्रिपल एच है उनका इंटरव्यू लिया जाता है, और यहाँ पर ट्रिपल एच ने मेंशन किया है कि जो रेफरी का डिसीजन है वो ठीक है, और गुंथर यहाँ पर बन चुके हैं नए क्वीन किंग ऑफ द रिंग। और इसी के साथ साथ गुंथर को भी समर स्लैम के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ट्रिपल एच ने ऐसा हिंट भी दिया है कि हो सकता है कि रैंडी ऑर्टन और गुंथर के बीच में हमें एक रीमैच देखने को मिल सकता है। वैसे दोस्तों जो गुंथर और रैंडी ऑर्टन का ये मैच हमें देखने को मिला था, ये दोस्तों ऑल टाइम क्लासिक मैच बन चुका है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं क्लैश ऑफ कैस्टल स्कॉटलैंड के बारे में, जो कि ड्रू मैकइंटायर के होम टाउन से होने वाली है। तो ट्रिपल एच ने दोस्तों ये चीज़ अनाउंस करी है कि डेमियन प्रीस्ट अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट ड्रू मैकइंटायर एट क्लैश ऑफ कैस्टल। और यहाँ से दोस्तों अब ये चीज़ कन्फर्म है कि ड्रू मैकइंटायर को फाइनली वो मोमेंट मिलने वाला है जिसका वो वेट कर रहे हैं, और ड्रू मैकइंटायर फाइनली क्लैश ऑफ कैस्टल में नए वर्ल्ड चैंपियन बनकर ही सामने आने वाले हैं। तो समर स्लैम के लिए हमें शायद गुंथर वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच में एक काफ़ी ज़बरदस्त मैच देखने को मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंग्स के बारे में, जिनके बारे में दोस्तों काफ़ी अच्छी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। सिंपली दोस्तों आप ये ट्वीट देख सकते हो ज़ाहिर न्यूज़ का, जहाँ पर दोस्तों उन्होंने लिखा है कि रोमन रेंग्स की जो फिल्म का काम है वो दोस्तों अगले हफ्ते तक जो फिल्म का काम है वो रैप होने वाला है, यानी कि फिनिश होने वाला है, और इसके बाद रोमन रेंग्स के रिटर्न को WWE अनाउंस कर सकती है। जिस तरीके से हम उम्मीद लगा रहे हैं कि रोमन
रेंग्स का रिटर्न हमें समर स्लैम के अंदर देखने को मिल सकता है, या फिर समर स्लैम से जो स्मैकडाउन के शोज होने वाले हैं वहां पर रोमन रेंग्स का रिटर्न हो सकता है। लेकिन उम्मीद ये है कि रोमन रेंग्स का रिटर्न हमें उससे भी फर्स्टली देखने को मिल जाएगा, और रोमन रेंग्स का जो रिटर्न है उसको WWE अनाउंस करके रोमन रेंग्स हमें काफ़ी जल्दी WWE कंपनी के अंदर फिर से वापस देखने को मिलने वाले हैं। तो WWE कंपनी के अंदर जो अच्छे दिन हैं रोमन रेंग्स के आने के बाद वो फिर से शुरू होने वाले हैं। तो आप सभी सिर्फ वेट कीजिए अब कुछ ही महीनों का। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स के अंदर अपनी राय लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेली रेसलिंग की वीडियोस के लिए। मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।